हेलो दोस्तों, विलेज बारबीज के एक और नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। यहाँ राधा और श्यामा भी सो रहे हैं, तो चलिए देखते हैं कि आगे की कहानी में क्या होता है। यहाँ राधा खराटे मारकर सो रही है और फिर फोन की घंटी बजने लगती है। अरे लगता है किसी का कॉल आया है। आखिर इतने सुबह सुबह कौन फोन किया है मुझे, चलो जाकर देखती हूँ आखिर कौन है। ये बोलकर राधा उठने लगती है। चलो जाकर देखती हूँ, कल तो मैंने यहीं कहीं पर बात किया था श्याम के पापा से। हाँ वो रहा मोबाइल, चलो जाकर देखती हूँ। अरे लेकिन इतने सुबह सुबह किसका फोन है, कहीं किसी के ऊपर मुसीबत तो नहीं आ गई है। चलो उठाकर देखती हूँ, मुझे तो ये नंबर जाना पहचाना लग रहा है, चलो उठाकर देखती हूँ। और फिर राधा फोन उठाने लगती है। हेलो हेलो, हाँ कौन बोल रहे हैं आप? अरे दीदी आप हो क्या, मैं तो डर ही गई थी, आखिर इतने सुबह सुबह किसने फोन लगाया है, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना दीदी, आपने इतने सुबह सुबह फोन क्यों लगाया मुझे? अरे हाँ राधा, मैं तो एकदम फिट हूँ, वैसे तुमने बहुत ही देर लगा दिया फोन उठाने में। अरे हाँ दीदी, अब मैं आपको क्या बताऊँ, मैं सो ही रही थी अभी तक। हाँ राधा, वो मैं ट्रैक्टर लेकर आ रही हूँ, वो भी खुद चला कर, पता है तुम्हें, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, फिर हम साथ में जाएंगे लकड़ियाँ और घास लाने के लिए, ठीक है ना, तुम चलोगी ना? अरे सच में दीदी, क्या आप चला रही हैं ट्रैक्टर? अच्छा ठीक है, फिर मैं तो बिल्कुल चलूंगी, वैसे भी मेरे गैया का घास खत्म हो गया है। ठीक है आप आ जाइए, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, बस थोड़े से काम है वो निपटा लूंगी और फिर आ जाऊंगी, वैसे भी श्याम भी अभी तक सो रहा है। लेकिन हाँ आप ट्रैक्टर अच्छे से तो चला रही है ना, वरना पिछली बार के जैसे फिर से एक्सीडेंट करवा देंगी। आपने अच्छे से सीख तो लिया है ना ट्रैक्टर चलाना? अरे हाँ राधा, मैं सीख गई हूँ। अच्छा रखो फोन, मैं आ रही हूँ, रास्ते में हूँ। और हाँ तुम तैयार रहना, ठीक है ना? अच्छा हाँ दीदी, मैं तैयार रहूंगी। अच्छा तो मैं रखती हूँ अब, चलो अच्छा है, इसी बहाने थोड़ा इधर उधर घूम भी लूंगी। वैसे भी शाम तो अभी तक सो रहा है, मैं जाकर आ भी जाऊंगी। चलो तब तक मैं जाकर घर के काम निपटा लेती हूँ, दीदी के आने से पहले काम वाम करके तैयार रहूंगी, वरना वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएंगी। ये बोलकर राधा झाड़ू मारने के लिए जाने लगती है। और यहाँ राधा गुनगुनाते गुनगुनाते झाड़ू मार रही है। अरे श्याम तुम उठ गए, अच्छा रुको मैं आ रही हूँ, मत रहो मेरे बच्चे। और यहाँ चंदा और सोनम ट्रैक्टर पर बैठकर राधा के घर आ रहे होते हैं। चल मेरे धन्नो और तेज चल, और ये मम्मी धीरे चलाइए धीरे चलाइए। अरे सोनम तुम क्यों इतना डर रही हो, अच्छे से बैठी रहो। और ये मम्मी ध्यान से, आगे तो पेड़ है बहुत ही बड़ा, ध्यान से। अरे हाँ सोनम तुम क्यों इतना डर रही हो, अरे मम्मी इतना अच्छा खासा पापा आ रहे थे, आपको क्या जरूरत थी आने की? अरे सोनम हम लड़कियों को भी हर चीज करना सीखना चाहिए। चलो अच्छा है मैं सही सलामत अपने दोनों पैर पर खड़ी हो पा रही हूँ। अच्छा मम्मी आप तो बहुत ही भयानक चलाती हैं। क्या सोनम तुम बिना बहुत ही मजाक करने लगी हो। अरे राधा चलो चलो चलते हैं। अरे दीदी सोनम सच बोल रही है क्या, आप कैसा चला रही हैं, ठीक ठाक तो चला रही है ना गाड़ी, देखिए ना वैसे श्याम तो जाग गया, पता नहीं अब मैं जा भी पाऊंगी या नहीं, देखिए ना श्याम उठते ही गैया की सवारी करने लगा। अरे राधा आप तुम ऐसा मत बोलो, मैंने सोनम के पापा को कितना मनाया, फिर जाकर उन्होंने मुझे ट्रैक्टर दिया है। प्लीज राधा मना मत करना, चलो ना चलते हैं, हम लकड़ियाँ और घास ले आएंगे जल्दी से, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अरे दीदी पर मैं क्या करूँ, श्याम को अकेले छोड़कर नहीं जा सकती हूँ, अगर उसे कहीं चोट वोट लग गई तो, और उसे साथ में भी लेकर नहीं जा सकती हूँ, उसे संभालूंगी या लकड़ियाँ और घास काटूंगी, वैसे भी श्याम के पापा होते तो उन्हें संभालने के लिए दे देती। अच्छा राधा रुको मेरे पास एक आइडिया है। सोनम सोनम बेटा जरा मेरी बात सुनो तो। अरे बापले मम्मी तो इसी तरफ आ रही है, क्या मम्मी अब आप ये मत बोलना कि मैं नहीं जा सकती हूँ। हाँ सोनम बेटा प्लीज तुम रुक जाओ श्याम के साथ, देखो वो अकेला ही रहेगा अगर राधा आंटी चली जाएंगी तो। अरे नहीं मम्मी, पर मुझे भी जंगल में जाना था और लकड़ियाँ और घास काटनी थी, आपने तो मुझे प्रॉमिस की थी ना, मैंने आपका काम भी किया, पापा के जेब में से 200 रुपए निकाले थे, अब मुझे भी जाना है। अरे मेरी प्यारी बच्ची ये सब बोलने का कोई जगह नहीं है, चुप हो जाओ प्लीज बेटा, रुक जाओ फिर मैं तुम्हें ढेर सारी चॉकलेट्स ला कर दूंगी, ठीक है ना। चलो अच्छा हुआ कि तुम मान गई, बहुत ही प्यारी बच्ची है मेरी। अच्छा ठीक है मम्मी, आप तो मुझ पर हमेशा इमोशनल अत्याचार करती रहती हैं। चलो चलो राधा, इससे पहले कि सोनम का मूड बदल जाए, चलो जल्दी से। अच्छा चलो राधा, अरे दीदी रुकिए, सोनम घर का भी ख्याल रखना ठीक है ना, और खासकर श्याम का अच्छे से ख्याल रखना। अच्छा बाय सोनम बेटा, हम जा रहे हैं, चलिए दीदी चलते हैं, लेकिन आप धीरे धीरे चलाना ठीक है ना, ज्यादा फास्ट भगाने की जरूरत नहीं है,
अरे नहीं राधा, मैं तो उड़ाऊंगी। अरे दीदी धीरे चलाइए, मुझे डर लग रहा है। अरे राधा ज्यादा मत डरो। और यहाँ श्याम गैया की सवारी कर रहा है। अरे श्याम मैं बोल हो रही हूँ, अब मेरी बाली है, तुम उतर जाओ ना, मुझे भी गैया की सवारी करनी है, अब मेरी बारी है, चलो उतरो। नहीं नहीं, अरे श्याम तुम तो बहुत ही ज्यादा खड़ूस हो, मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ पर रुकी और तुम मुझे ही नहीं नहीं कह रहे हो। मैं तो बहुत ही ज्यादा बोर हो रही हूँ, चलो थोड़ी देर नींद ले लेती हूँ। हाँ। और फिर श्याम रोते रोते सोनम के पास जाने लगता है। अरे श्याम अब क्या हुआ, तुम मुझे क्यों जगा ले हो, तुम तो गैया की सवारी कर रहे थे ना। अच्छा अच्छा लुको, अब तुम मत लो, लगता है तुम्हें भूख लगी है इसीलिए तुम लो रहे हो, वरना तुम कहाँ लोते हो। अच्छा तो मैं जाकर देखती हूँ किचन में, शायद कुछ रखा हो राधा आंटी ने। अच्छा लुको मैं अभी तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। अरे वाह लगता है इसके अंदर दूध होगा, चलो देखती हूँ। और फिर सोनम बर्तन को खोलने लगती है। अरे इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, चलो वहाँ पर देखती हूँ, इसके अंदर भी नहीं है और इसके अंदर भी नहीं है, अब मैं क्या करूँ। अरे हाँ चलो जाती हूँ, गैया का दूध निकालती हूँ, वही श्याम को पिला दूंगी। रुको मेरी प्यारी गैया, मैं तुम्हारा दूध निकालने जा रही हूँ। तुम्हें तो पता ही है कि श्याम को जब भूख लगती हो तो वो किसी की भी नहीं सुनता है। रुको मैं तुम्हारा दूध निकाल रही हूँ। अरे वाह तुम्हारे अंदर तो बहुत ही ज्यादा दूध है, रुको मुझे थोड़ा और निकालने दो। अरे हाँ हाँ श्याम आ रही हूँ। अरे वाह मैंने तो बहुत ही ज्यादा दूध निकाल दिया, मेरी प्यारी गैया ने कितना दूध दिया है। लुको श्याम मैं आ रही हूँ। और फिर सोनम दूध लेकर श्याम के पास जाने लगती है। हाँ श्याम ये लो पी लो अच्छे से, अच्छा लग रहा है ना तुम्हें ताजा ताजा दूध। लुको लुको मैं तुम्हें और देती हूँ, लगता है तुम बहुत ही ज्यादा भूखे हो, ये लो पी लो अच्छे से। अच्छा अब तुम्हारा पेट भर गया ना, चलो अब तुम सो जाओ। अले अले कैसी आवाज आ रही है, ये तो बहुत ही भयानक आवाज है, कहाँ से आ रही है। अले श्याम मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। अले और फिर तभी चंदा और राधा जंगल से लकड़ियाँ और घास लेकर आ जाते हैं। अरे दीदी मैं जल्दी जाती हूँ, श्याम को तो मैं कुछ भी खिला पिला कर नहीं गई थी, बेचारा बहुत ही ज्यादा भूखा होगा। हाँ श्याम मैं आ रही हूँ। चलो कम से कम लकड़ियाँ और घास तो आ ही गई है। अरे मेरी प्यारी बच्ची कैसे श्याम का ख्याल रख रही है। अरे वाह मम्मी आ गई, राधा आंटी आ गई। अरे मम्मी मैं आ रही हूँ, अच्छा हुआ आप लोग आ गए, ये लो मेरी प्यारी माधुरी खा लो। हाँ बेटा मैं आ रही हूँ, लगता है तुम बहुत ही ज्यादा भूखे हो। अरे हाँ राधा आंटी मैंने माधुरी का दूध निकाल कर श्याम को पिला दिया है, उसका पेट भर चुका है। अरे वाह सोनम ये तो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, तुम तो बहुत ही ज्यादा समझदार होती जा रही हो। मेरी प्यारी सोनम, दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।